दोस्तों, प्रकाश झा की सबसे कंट्रोवर्शियल सीरीज आश्रम 3 रिलीज हो चुकी है एमएक्स प्लेयर पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आश्रम सीरीज ने बॉबी देओल के ऑफ ट्रैक करियर को वापस से ट्रैक पर ला दिया है और उन्होंने भी इस सीरीज के लिए काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छी एक्टिंग का प्रदर्शन भी किया है। आज हम आपको इस सीरीज में काम करने वाले मेन लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस की फीस के बारे में बताने वाले हैं कि किसने कितना चार्ज किया है आश्रम सीजन 3 के लिए। नंबर वन पर हैं बॉबी देओल, जिन्होंने बाबा निराला का कैरेक्टर प्ले किया है और उनकी फीस है 2 से 4 करोड़ के बीच। नंबर दो पर हैं ईशा गुप्ता, जिन्होंने सीरीज में सोनिया का कैरेक्टर प्ले किया है और उनकी फीस है लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच। नंबर तीन पर हैं त्रिधा चतुर्वेदी, जिन्होंने सीरीज में बबीता का रोल प्ले किया है और उनकी फीस है 4 से 10 लाख रुपए के बीच। नंबर चार पर हैं दर्शन कुमार, जिन्होंने सीरीज में पुलिस ऑफिसर उजागर सिंह का रोल प्ले किया है और उनकी फीस है 15 से 25 लाख के बीच। नंबर पाँच पर हैं अनुप्रिया गोयनका, जिन्होंने सीरीज में डॉक्टर नताशा का कैरेक्टर प्ले किया है और उनकी फीस है 8 से 15 लाख रुपए के बीच। नंबर छः पर हैं आदिति पोंखर, जिन्होंने सीरीज में पम्मी पहलवान का कैरेक्टर जबरदस्त तरीके से प्ले किया है, उनकी फीस है लगभग 12 से 20 लाख रुपए के बीच। और लास्ट में नंबर सात पर हैं चंदन रॉय सेनाल, जिन्होंने सीरीज में भूपा स्वामी का रोल प्ले किया है, उनकी फीस है लगभग 15 से 25 लाख रुपए के बीच। तो दोस्तों, आपको आश्रम सीरीज कैसी लगी और इस सीरीज में आपको किसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।